हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पूनम्स किचन में। आज मैं एक सिंपल से स्वीट डिश की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें मीठा तो होगा ही, साथ ही थोड़ा नमकीन का भी टेस्ट आएगा। और इसे मैं सिर्फ दो चीज़ों से बनाने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल 5 मिनट में। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी डाला है। घी लगभग मेल्ट हो चुका है। अब इसमें मैं आधी कटोरी के करीब गुड़ ऐड कर रही हूँ, और फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। गुड़ को हम तब तक कुक करेंगे चलाते हुए जब तक कि ये पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। ये देखिए, गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है। अगर इसे ज़्यादा कुक करेंगे तो हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाएगी, तो इसलिए मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर रही हूँ। अब मैं इसमें 1 टीस्पून सौंफ ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ मैंने 1 कटोरी के करीब नमकीन वाले पतले सेब लिए हैं। आप इसकी जगह पे मोटे सेब भी ले सकते हैं, या फिर आलू भुजिया भी ले सकते हैं। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चला लेंगे, और ध्यान रखें फ्लेम को हमें लो ही रखना है। बस अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ, और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये देखिए, ये मिक्सचर थोड़ा बहुत ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है, और मैंने इसे घी से ग्रीस कर लिया है। अब हम एक स्पून की हेल्प से इस मिक्सचर को इस बाउल में फिल करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसे स्पून से हल्का सा हम प्रेस भी करेंगे। ध्यान रखें इसे ज़्यादा ठंडा होने नहीं देना है। ये देखिए इस तरह से हम इसे प्रेस भी करते जाएंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पे लड्डू भी बांध के तैयार कर सकते हैं, या फिर आप इसे इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। बस अब हम इसे किसी प्लेट में पलट लेंगे। अब इसी तरह से बाकी के बचे हुए मिक्सचर को भी हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, रेडी है हमारी आज की रेसिपी। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।